बस करो बच्चों, कितना भागोगे, पागल कर दिया भगा भगा के। आ जाओ बेटा मुझे पकड़ो, आ जाओ। अरे पकड़, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये ले, नहीं ये नहीं, इधर नहीं बेटा, इधर ये ऐसे। हाँ ओह सही करना मामू, मैं भी आपके साथ खेलूं। शक्ल तो देखो इस गोंजू की। ओए तबीयत ठीक हो गई तेरी है? मैं भी खेलूं। और ये जो तू मामू मामू लगा हुआ है ना, जिस दिन मैं मामू बन गया ना बेटा, तू अपनी बहन की तरह गायब हो जाएगा। चलो दौड़ो, मैं भी खेलूं। यार मम्मा भैया भागो। चलो 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 चल। आ गई तू? एक ये तेरे बच्चे बड़े शरारती हैं भाई, बेड़ा गर्क कर दिया भगा भगा के। फिक्र मत कर, तेरी बारी भी बहुत जल्दी आने वाली है, तेरे लिए लड़की देखने गई थी। एक तो तू भी हर काम फौरन फौरन करने लग पड़ती है ना। अच्छा अब होगा क्या? होना क्या है, वो लोग आएंगे तुझे देखेंगे तभी कुछ होगा ना। और इस बार मुझे यकीन है तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। वैसे जो तेरा हुलिया है ना, इन बच्चों के साथ खेल खेल के तू भी गंदा मंदा हो गया, मुंह धो ले, काला हो जाएगा, रिश्ता भी नहीं होगा फिर। इस दफा ना हो ना फिर देखी। हमारी वजह से मम्मी और पापा की लड़ाई हुई है, तुम फिक्र मत करो। अम्मी की जो आदत है हर वक्त लड़ना पापा से। अब क्या होगा सीमा? कुछ नहीं होगा, पापा है ना, वो हर चीज संभालेंगे। और तुम देख लेना, पापा कंप्यूटर भी जरूर लाएंगे। पापा कंप्यूटर नहीं लाएंगे, अम्मी ने मना कर दिया है, समझी? तुम चुप करो, अम्मी की चमची। तुम दोनों मेरे फेल होने में खुश हो रहे हो ना, अब तुम दोनों का गिफ्ट गया। बहुत हो गया सज्जल, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पड़े रहो इधर। और तुम मेरे बेड से उठो, सीमा के बेड पे बैठो। भीगे फातिमा, अम्मी को मैं सफाई करने आई थी यहाँ पे। मुझे मालूम है फातिमा कि तुम यहाँ बार बार क्यों आती हो। अम्मी मेरी रामीन पता नहीं किस हाल में होगी और होगी। काश के ऐसा हो पाता कि कोई हमारी बच्ची की खबर हमें देता, तो सिर्फ अल्लाह से ही आस बंधी है बेटा। पता नहीं क्यों फातिमा इतना अरसा गुजरने के बाद भी दिल को एक यकीन सा है कि हमारी रामीन जरूर वापस आएंगी। क्या कर रही हो ये तुम? टीवी देख रही हो? किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, वो कौन धोएगा? चलो जाओ यहां से और जाके बर्तन धो। टीवी टीवी टीवी, हर वक्त ये बच्चे टीवी देखते रहते हैं। हेलो नवीद, कहाँ हैं आप? मैं जरा बाहर हूँ, बताओ क्या बात है? घर में गैस नहीं आ रही है, अब मुझे बताएं मैं खाना कैसे पकाऊंगी। ओहो,
गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? नहीं, इसीलिए अब रात का खाना आप साथ लेते आइएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं खाना लेता हुआ आऊंगा। और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज। इसको जाके देखो ये क्या कर रही है। लाखों में एक है लड़का, ऐसा लड़का आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। उफ, इतना बोलती है तेरी सास के पूछ मत। तब से तो फोन पे तू ही बोले जा रही है। वाह, अभी तो लड़की को तूने देखा नहीं है और बहन की बुराइयां शुरू। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू नाराजी होगी। बड़ी तारीफ की है मैंने तेरी, और लगता है इन्हीं तारीफों की वजह से वो तुझसे मिलने आ रहे। अच्छा मुंह मत बना, जब लड़की की तस्वीर देखेगा ना तो सारे नखरे भूल जाएगा तू। किसका फोन है? वो दोस्त है, मिस कॉल करके तंग करते हैं। देख रही हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं तुझे मिस कॉल आने लगी। सच सच बता मुझे, दानियल को क्या हुआ? नहीं बेटा, ये कंप्यूटर मैं रामीन के लिए लेकर आया हूँ। ये कंप्यूटर मेरे लिए? थैंक यू। यू वेलकम। रामीन, हम दोनों सर मिडिल खेलेंगे, ठीक है? नवीद, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपनी सगी औलाद पे तो आप एक रुपया भी खर्च नहीं करते हैं, और एक प्राय बच्चे के लिए आप कंप्यूटर खरीद के लेकर आ गए। उकसाने क्या झैलों वाली बातें कर, ये तीनों मेरे लिए बराबर है और रामीन भी मेरी बेटी है, क्या हो गया? अच्छी तरह से मुझे नजर आ रहा है कि कौन बराबर है और कौन नहीं। अभी मेरा तुमसे लड़ने का कोई मूड नहीं है, प्लीज जाओ जाके मेरे लिए खाना लगा। पापा हाँ आपके लिए खाना लगाते हैं, अब मुंह धो लें। हाँ बोलो, क्यों फोन किया? तुमसे मैंने कहा ना मैं अभी माल नहीं दे सकता। तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आती, मैं मसरूफ हूं अभी किसी काम में, फारिग होकर चंद दिनों में बात करता हूं तुमसे। ना ये मुसीबत होगी ना फोन बचेगा। उकसाना आखिर कब तक तुम कुड़ती रहोगी? आखिर तुम ये हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि रामीन हमारे घर का एक फर्द है, हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। तुम्हें रामीन को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नहीं समझते जो मैं समझ रही हूं। ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं समझता? कहा ना कि आप नहीं समझेंगे। कल को वो लड़की बड़ी भी होगी और आपके लिए नामहरम हो जाएगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, क्या जवाब देंगे हम लोगों को? उसकी शादी भी तो होगी, उसके अखराजात आपको अलग उठाने पड़ेंगे। हमारी पहली दो दो बेटियां, उनका बोझ, अब हम किसी और का भी बोझ उठाएं? रुखसाना बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती, और मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। बस सिर्फ इस घर को देखो, क्योंकि यहां पे सुकून सिर्फ तुम ही रख सकती हो और कोई नहीं।
अस्सलामुअलैकुम रेहान, कहाँ हैं आप? वो असल में मैंने अमजद का रिश्ता पक्का कर दिया है। मैं सोची थी आप आते हुए मिठाई ले आइएगा, आंटी का मुंह मीठा करवाना है। ओके, खुदा हाफिज़। सीमा, इधर आके मेरे साथ कपड़े तय करवाओ। अम्मी मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी तुम लोग अपनी माँ का हाथ ना बटाना। ना तो बस इन्हें खेलना होता है या पढ़ना होता है, लेकिन माँ जो बोले वो कभी नहीं कहना मानना। हेलो सीमा बेटे, आपकी अम्मी कहाँ हैं? पापा मामा तो काम कर रही हैं, मैं उन्हें बुलाऊं? नहीं नहीं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो कि आप तैयार हो जाओ और उनसे भी जाके कह दो कि वो भी तैयार हो जाओ। क्या पापा, हम घूमने जा रहे हैं? जी, मैं आप सबको सैर कराने लेकर जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी अम्मी, क्या है? अम्मी पापा कह रहे हैं हम जल्दी से तैयार हो जाएं, वो हमें बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। और हाँ, अगर तुम लोगों ने जाना है तो तुम दोनों बहनें तैयार हो जाओ। सबसे पहले मैं आंटी का मुंह मीठा कराऊंगी। नहीं, पहले आप। अरे क्या हो गया? थैंक यू सो मच, मुबारक हो। खाना खा ले। ये किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है, जरा मुझे भी तो पता चले। तुम कौन हो तुम लोग? तुम क्या समझ रहे थे तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी? क्या हो रहा है सब कुछ, कौन हो तुम लोग? अबे तू कौन है, अपना काम से काम रख, समझा? बकवास बंद करो, ये मेरा घर है। ते किसका घर है किसका नहीं है भी बताऊं तुझे मैं? रुक जाओ काशिफ, मैं बताती हूँ कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। जिसके रिश्ते की खुशी में आप सब लोग मिठाई खा रहे हैं, इसने मेरे साथ शादी की है। झूठ बोल रही है ये। अरे मैं नहीं जानता कि कौन है ये लोग। क्या हो गया है तुम्हें अमजद? तुमने तो मेरे साथ जीने मरने के वादे किए थे और आज आज तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। बहुत अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ तुम जैसी औरतों को, ड्रामे रचाती हो। इस घर में तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, निकलो यहाँ से, जस्ट गेट आउट। अरे ऐसे कैसे निकल जाएं? मैं भी देखता हूँ मैं कौन निकालता है आज यहाँ से। धोखा हुआ मेरी बहन के साथ, और अगर आज मेरी बहन को इंसाफ ना मिला ना तो खून की नदियां बहा दूंगा मैं। बस मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी बाहर। बच्चे तैयार है ना, आप इनको साथ ले जाएं। और वैसे भी मेरे जाने या ना जाने से आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं? आपके रवैये से और आपकी बातों से। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। बातें बना के मुझे बहलाने की कोई जरूरत नहीं आपको। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना तो मुझे नहीं जाना। अरे मैं बातें नहीं बना रहा हूँ, मेरा वाकई आज तुम सबके साथ बाहर जाने का मूड हो रहा है। सच कह रहे हैं आप? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ। चलो शाबाश, उठो जाओ जाके। मैं चले ना। हाँ मम्मी चले ना। जाओ। अच्छा ठीक है, गुड, तैयार होकर आ। मेरे बेबीज, मेरे बेबीज।
पापा पापा हम लोग ऊपर खेलने के लिए जाए। हाँ बेटा आप लोग चले जाओ, लेकिन वहाँ पे इकट्ठे रहना और वहीं पे रहना। ओके ओके और अमीन से चलो। तुम नाराज हो अभी तक? आपको इससे क्या, आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं है, आप तो मुझे बस भूल ही गए। उकसाने, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं तुम्हें खुश रखूं, लेकिन तुम भी जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश किया करो, फिर देखो सब ठीक हो जाएगा। नाउ स्माइल प्लीज। हम जो तुम चुप क्यों, सब क्या हो रहा है? क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं? ये क्या बोलेगा, इसका तो भांडा ही फूट चुका है। यूसुफ भाई, जब अमजद कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है तो ठीक कह रहा है ना, ये औरत झूठ बोलती है। मैं झूठ बोल रही हूँ? आप सब लोग समझते कि मैं झूठी हूँ? ठीक, मेरे पास इस बात का सबूत है कि मैं अमजद की ही बीवी हूँ। ये लो, ये मेरा निकाह नामा है, अब आपको यकीन आ जाएगा। पापा अमीन नहीं मिल रही है, पता नहीं वो कहाँ खो गई है, हमने उसको इतना ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रही है। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। नहीं पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तुम यही मामा के साथ ठहरो। उफ खुदाया, इस लड़की ने तो नाक में दम करके रख दिया है मेरे, बार बार खो जाती है पागल जैसी, अब कहाँ ढूंढेंगे उसको। तुम इधर आओ, तुम वहाँ क्या कर रही हो, अब तुम लोग मत खो जाना। मम्मी रामीन मिल जाएगी ना? मुझे नहीं पता उसने मिलना है कि नहीं मिलना, मैं कोई वजीफे नहीं करती हूँ जो कोई भी चीज वापस मिल जाए। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने, जिंदगी अजाब कर दी है। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि अमजद ही मेरा शौहर है? सुरैया तुम रो मत, मैं हूं ना, देख लूंगा एक एक को। अब मेरा कौन सहारा बनेगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे अब मुझे कौन इंसाफ दिलाएगा? देखिए मैं मानता हूं कि मैंने इससे शादी की है, ये है जियो।